In today's video, we will learn about summons from the subject of forensic medicine. I have taken the content from Narayan Reddy book, और जो important points थे मैंने उनको highlight कर दिया है. Section 61 to 69 of CRPC deal with summons. Summons का other name है subpoena, जिसका meaning होता है sub मतलब under, pena मतलब penalty. Under penalty किसी person को एक specified day, time and place पे बुलाया जाता है court में for giving evidence. एक बार इसकी definition देखेंगे. Subpoena is a document compelling the attendance of a witness in a court of law under penalty on a particular day, time and place for the purpose of giving evidence. Subpoena एक document है जो court of law issue करती है और under penalty issue करती है, जिसमें लिखा रहता है कि एक particular day, time and place में evidence देने के लिए आना होगा. Now if you are going to the court, then आपको जो required books, documents या other things है as evidence, वो आपको ले जाना होगा. Is bound by law to produce in evidence. Summons is issued by court in writing, जिसकी एक duplicate copy भी भेजी जाती है. It is signed by the presiding officer of the court, और इस document पे crime number and name of the accused person लिखा रहता है. Summons issue करती है court, but it is served to the witness by a police officer or other public servant by delivering it to him one of the copies of the summons. Summons का एक copy witness को दिया जाता है. The person should sign a receipt on the back of the other copy. एक second copy पे witness sign करता है as an acknowledgement that उसे ये receipt हो चुका है. Now we had mentioned that public servant भी summons को deliver कर सकता है. So by registered post या फिर घर के किसी post box में हम summons को रख सकते हैं. अगर witness किसी government office में काम करता है, then एक duplicate copy उसके head of the office को भी दी जाती है, so that he can allow the person to serve the summon. And the head of the office shall return it to the court under his signature with the endorsement required by that section. His summon must be obeyed and the witness should produce documents if asked. जो witness है उसे required documents लाने होंगे. The witness will be excused from attending the court if he has a valid and urgent reason. अगर कोई urgent reason हुआ तो उसे माफ कर दिया जाता है. So इस page को एक बार summarize करेंगे. Summon is issued by the court, जिसे serve करते हैं police officer या कोई public servant. पब्लिक सर्वेंट में रजिस्टर्ड पोस्ट से आप उसे भेज सकते हैं या घर के किसी पोस्ट बॉक्स में उसे रख सकते हैं. पर्सन एक कॉपी के पीछे साइन कर देता है एज एन एक्नॉलेजमेंट दैट उसे वो रिसीव हो चुका है. अगर विटनेस एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, देन हेड ऑफ द ऑफिस को भी एक दिया जाता है, सो दैट वो हेड उसे अलाउ कर सके समन को सर्व करने के लिए. और इन केस ऑफ वैलिड एंड अर्जेंट रीजन वो सर्व नहीं कर पाता है, देन उसे एक्सक्यूज कर दिया जाता है. नाउ क्या होगा अगर वो समन सर्व नहीं कर पाएगा? सिविल केसेस में उसे डैमेजेस पे करने पड़ते हैं. क्रिमिनल केसेस में अगर वो विदाउट एनी जस्टिफिकेशन नेगलेक्ट कर देता है इसे अटेंड करने के लिए, देन उसे फाइन या इम्प्रिजनमेंट हो सकता है. 6 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन लग सकता है 1000 rupees का, या फिर दोनों भी लग सकते हैं. अगर आपके पास मल्टीपल समन्स आते हैं तो क्रिमिनल कोर्ट्स को आपको प्रायोरिटी देनी है एंड इन्फॉर्म द सिविल कोर्ट ऑफ हिज इनएबिलिटी टू अटेंड गिविंग हिज रीजंस. नाउ सेम लेवल के कोर्ट से आपको मल्टीपल समन्स आते हैं, देन आपको हायर कोर्ट्स को प्रायोरिटी देनी होगी एंड लोअर कोर्ट में इन्फॉर्म करना होगा. नाउ सेम टाइप के कोर्ट से एंड सेम लेवल के कोर्ट से अगर आपको समन्स आते हैं, देन आपको जो पहले रिसीव हुआ है उसको सर्व करना है एंड यू कैन अटेंड द सेकेंड कोर्ट आफ्टर फिनिशिंग हिज एविडेंस फ्रॉम द फर्स्ट कोर्ट. इस पेज को एक बार समराइज करेंगे. इफ यू फेल टू अटेंड द कोर्ट, सिविल केसेज में आपको डैमेजेस पे करने होंगे. क्रिमिनल केसेज में विदाउट एनी जस्टिफिकेशन आपने अटेंड नहीं किया तो आपको फाइन हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या दोनों हो सकता है. फाइन कितने का? 1000 rupees का. इम्प्रिजनमेंट 6 महीने का. क्रिमिनल कोर्ट्स को प्रायोरिटी देनी है और सिविल कोर्ट को इन्फॉर्म करना है कि आप अटेंड क्यों नहीं कर पाए. हायर कोर्ट्स को प्रायोरिटी देनी है ओवर द लोअर. और अगर सेम लेवल के कोर्ट से आपको समन्स आते हैं, देन आपको जो पहले रिसीव हुआ है उसको प्रायोरिटी देनी है और फर्स्ट वन सर्व करने के बाद आप सेकेंड कोर्ट में सर्व कर सकते हैं. विद दिस वी कंप्लीट द टॉपिक ऑफ समन्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.